वेलकम टू मिस्टर मैथिस्ट। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 15। सबसे पहले हम पीछे से स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है आज पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के टाइप कौन कौन से होते हैं। मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा जो कि आपके 11th 12th में आने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली ऑल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज़ है, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कोई प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का। बट यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों आता है, तो मैं कुछ आपको ऐसे ही नॉर्मल अभी एग्जाम्पल बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी टोटल अमाउंट होता है उसमें से कितना आप कितना परसेंटेज, एक तरीके से फ्रैक्शन बोल सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन ही लिखा जाता है। जैसे टोटल 2 है तो 2 में से कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, मान के चलो तुम्हारे पापा तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नहीं मारेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, मारेंगे तो 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो मारेंगे तो यस, नहीं मारेंगे तो नो। ठीक है, क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इवेंट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और हमने मार दिया थप्पड़ तो 1/2, नहीं मारा तो अभी 1/2, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। कभी भी हम कोई पॉसिबल इवेंट होना और ना होना दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा आपका आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ के क्या आएगी, आपका आंसर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर, 0 के इक्वल होती है, और 1 के बराबर, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो 1 प्रोबेबिलिटी से बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, इससे ना ऊपर ना नीचे कहीं भी नहीं जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट माइंड में रखना है, कभी ये पूछ लिया जाता है फिलअप के फॉर्म में कि प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे आती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। रेंज पूछी जाएगी तो 0 to 1 प्रोबेबिलिटी की रेंज है, वो भी +1 के लिए, -1 के लिए कुछ नहीं होगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।